यहाँ वाला बच्चा किधर गया है? ऊपर तो नहीं बैठ गया? नहीं ऊपर नहीं, इधर नीचे, ये रहा। ये या तो इस कार्नर में बैठ जाता है या फिर उस कार्नर में बैठ जाता है। और जो कॉकटेल के बच्चे होते हैं ना, ये ऊपर से ज़्यादातर ऐसे गंजे रहते हैं। जब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तब इसके पर पूरे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर जितने भी बजीज हैं, ये सारे सिंपल वाले बजीज हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे के बाद ना माशाल्लाह से इन बजीज में से रेड आइज़ के बच्चे आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा पेयर है जिनके रेड आइज़ के बच्चे आते हैं। जैसा कि ये पेयर है ना, इसके जितने भी बच्चे अभी अंदर है ना, सारे या तो वाइट में है या फिर फुल येलो में है, रेड आइज़ में है। जैसा कि एक बच्चा यहाँ पर भी आया है, ये भी फुल येलो है और रेड आइज़ में है। एक बच्चा पता नहीं रात के अच्छे नीचे गिरा है और यहाँ पर अभी मरा हुआ मैंने देखा है। ये भी रेड आइज़ में था और फुल वाइट कलर में था। इसके जिस्म पे छोटे छोटे ये देखें जख्मों के निशान हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या माँ बाप इसको उठाकर ऊपर ले जा रहे थे, नहीं ले जा पाए, ये ज़ख्म आ गया, या फिर माँ बाप दोनों ने मिल के इसको ज़बरदस्ती ये देखें जानबूझ के मार दिया है। बहुत ही प्यारा बच्चा था, इसका पोटा काफ़ी ज़्यादा फुल था, भूख से तो बिल्कुल भी नहीं मरा, बस ये चूँटे लगने की वजह से ना इसके जिस्म पे जो निशान आ गया ना, उस वजह से ये मर गया। अगर मैं पहले देख लेता ना, रात तक तो नहीं था, खैर जब मैं गया हूँ उसके बाद ये कहीं यहाँ पर गिरा है और मेरे पहुँचने तक ना ये मर चुका था। ये तीनों ऑस्ट्रिच को देखने आए हैं और इन तीनों को आराम नहीं लग रहा। ये मारने वाले मुर्गे के साथ ना पंगे ले रहे हैं, अभी उनके पीछे लगेगा और इनको यहाँ से वहाँ तक भगा के ले जाएगा। ये सबसे जो छोटा वाला ना, ये आ जाए, आगे आ जाए और आगे आ जाए, तीनों मिल के आगे ना उसको डरा रहे हैं। एक आ जाए, एक कोई भी एक आ जाए अभी इनको भगा के उस तरफ उस कार्नर तक लेके जाएगा। यार इस छोटे वाले को भेजो, अब्दुर्रहमान छोटे वाले को भेजो, छोटे वाले को करीब नहीं जाते, डरते हैं। ले आओ ले आओ, इसे करीब लेके आओ, निकाल दो, निकाल दो इसे, उठा लोगे? चलो अब मुझे इसका नाम बताओ, पहले नाम क्या है इसका? कैफे। कैफे जी, ठीक से नाम बताओ, तुम इतने दिनों से तुम्हें इसका नाम नहीं पता, चलो नाम इसका बताओ। कैफे, कैफे? सही से नाम बताओ जल्दी। नहीं, मैंने इसका नाम ही नहीं आपने बताया। तो मैंने तुम्हें बताया इतनी दफा, इसका नाम है अल्फा। अल्फा, अब नाम बताना इसका, क्या अल्फा? आज के बाद इसको अल्फा बुलाना है, कैफे इसका नाम बुला रहा है। इसको हमने पत्ते डाले, ये पत्ते खाने ही लगा था कि इसको तकलीफ हुई है, कह रहा है मैंने अंदर जाना है, काफी देर से कह रहा है अंदर जाना है। एक मिनट, अंदर जाने से पहले टिकट ले लो, टिकट तो ले लो, टिकट टिकट ले लो, टिकट ले लो, यहाँ पर हाथ रखो, ये लो। जब इतना डर रहे हो तो फिर अंदर कैसे जाओगे? चलो अच्छा जाओ। आ गया जी, आ गया। उधर उसने मुंह कर लिया, पास जाओ ना, थोड़े से पास जाओ, आगे जाओ। नहीं नहीं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, अब नहीं छोड़ेगा। ओए होए, आ गया आ गया आ गया, अब नहीं छोड़ेगा। इधर इधर इधर, ये है, ये इस कार्नर में छुपा हुआ है। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। ओए होए होए, अब मानी क्या ही सकती, अब मानी को नहीं छोड़ेगा, वो उधर चला गया। जो जो उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। इस मोहतरमा का कोई सीधा काम नहीं है, यहाँ पर ऊपर ही अंडा देती है, पता नहीं खुद ही उसको नीचे यहाँ से फेंकती है। ये देखें, कल जो इसने अंडा दिया ना, अभी मैंने देखा है यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा है, और अभी फिर ये ऊपर चढ़ गई है। नीचे उतरो, अब मुझे काटेगी, आओ चलो नीचे उतरो, वहाँ सामने जाकर ना अंडा देगी। अब ये यहाँ पर नहीं देगी, अब जब भी यहाँ पर बैठा करेगी ना, मैं इसे खुद उठा दिया करूँगा। सामने मेरी दोस्त मेरा ही इंतज़ार कर रही है और मुझे ही देख रही है, अभी मैं उसके करीब जाऊँगा ना, उसने उठ जाना है। ये देखें, बैठी हुई थी, कैसे उठ कर खड़ी हो गई है। ये रहा उसका दाना, क्योंकि अब इसको हम बड़े बर्तन में दाना डाला करेंगे, छोटे में ये ठीक से खाती नहीं है, अभी मुझे देख रही है। चलो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। यार एक तो ये अंदर से कुंडी लगा लेती है, इतनी ज़्यादा ढीर है, पता नहीं इसे क्या आदत है। चलो पीछे हो जाओ, मैं खुद खिलाऊँगा, ठीक है? थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, इसने सब्र नहीं करना। ये लो खाओ खाओ। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इधर आ जाओ, इधर आओ, चलो खा लो, तुम ये खाओ, तब तक मैं इसके लिए पानी लेके आता हूँ। दोस्त को मैंने पानी ला कर दिया और मेरी दोस्त ने पानी पीना शुरू कर दिया, और इस तरह की ना 3 बाल्टियाँ ये दिन में पी जाती है इजीली। कल इसने 3 बाल्टियाँ पी हैं। गर्मी ज़्यादा है ना, तो सारा दिन ये पानी पीती रहती है, दाना ये कम खाती है, ये चारा भी ज़्यादा खाती है। आजकल गर्मी ज़्यादा हो गया है ना, गंदम के दिन है तो चारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और ईद के दिन भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना सारी दुकानें जो है ना चारे वाली वो बंद हैं, तो 1-2 दिन तक वो भी खुल जाएंगी, तो हम प्रॉपर फिर इसके लिए चारा लाना शुरू कर देंगे। अभी अभी मुझे मानी बताने के लिए आया कि हमारा बघीरा मर गया, वो बकरों के साथ खेल रहा था, उसके गले में ना ऐसे रस्सी अटक गई है और उसी जगह पर मर गया है। इनके पहुँचने तक ना वो वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था, अभी मैं भी ना जल्दी जल्दी उसके पास जा रहा हूँ। ये रहा जी मेरा बघीरा, मुझे तो पता भी नहीं चला, काश मैं इसके पास होता, यहीं पर जहाँ पर ये मरा है ना,
यहीं पर ये कब से पड़ा हुआ है, सब इसको आकर देख के जा चुके हैं। उस तरफ मेरा भाई, सारे कज़न वगैरह खोद रहे हैं ज़मीन को इसको दफनाने के लिए, और मैं काफ़ी देर से ना इसके करीब बैठा हूँ, और इसके करीब किसी को बैठने भी नहीं दे रहा। मैं खुद काफ़ी देर से ना अकेला बिल्कुल इसके पास यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर इसके रस्सी लगी हुई थी, उस रस्सी के अंदर दूसरे कज़न के बकरे का सींग फंसा, लड़ाई कर रहे थे और यहीं पर ये मर गया। इसका पता नहीं दिल फट गया क्या हुआ, इसके मुंह से देखें इतना ज़्यादा खून भी आ रहा था। क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ी सी देर पहले यहीं पर डोनट कैंडी को, बेबो को लेकर आया था, वो यहीं पर उनको छोड़कर अभी भी यहीं पर कहीं घूम रहे हैं, छोड़कर खुद कज़न के घर चला गया था। वो देखें सामने घूम रहे हैं, और जब वापस आया तो क्या देखते हैं, कोई 5-10 मिनट के बाद ये यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। वो जब गया था बिल्कुल ठीक ठाक ही यहाँ पर खेल रहा था, उसे नहीं पता था कि जब वो वापस आएगा तो ये हाल होगा। मुझे जब बताया ना, मैं तो भाग के आ चुका हूँ। घर वालों को जब से पता चला ना, घर वाले यकीन करें उधर रो रहे हैं, और मेरा भाई भी यहाँ पर काफ़ी देर खड़े होकर ना इसके पास रोता रहा। इतना ये हमारा लाडला था ना, और अब 2-4 दिन तक मैंने इसे घर भी ले जाना था। अभी तक अजवा को पता ही नहीं है, अजवा को हम जल्दी से घर के अंदर ले गए हैं, उसको अंदर बांध दिया ताकि वो इसे देख ना सके। इतनी देर से उसने शोर मचाया हुआ है इसके लिए, लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा, मजबूरन फिर हमें उसे अंदर ले गए। गीरा भी आखिर दफन हो ही गया, सबका लाडला था। जितने भी कज़न हैं मेरे, सब इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पता नहीं किसकी नज़र इसे लग गई है। कहते हैं घर पे जब कोई मुसीबत आई हो ना, तो आपकी कोई पसंदीदा चीज़ चली जाती है। हमारे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है कि सबकी फेवरेट चीज़ जो थी ना चली गई है। ये जितने भी इस तरफ घर हैं ना कज़नों के, सबके घर चला जाया करता था, खुद ही खा पी कर, शर्माता भी नहीं था, मतलब हर जगह घूम फिर के आ जाया करता था। बिल्कुल मैंने आपको दिखाया था पहले दिन से जब ये पैदा हुआ था, फिर इतना जवान हो गया था, और अब तो इसके दिन आ गए थे हमारे घर जाने के लिए। इतनी अच्छी इनके लिए मैं जगह भी बना रहा था, लेकिन शायद इसे हमारे घर में आना नसीब ही नहीं हुआ, और इसकी किस्मत में ही नहीं था। ये रही अजवा, और देखें कैसे चक्कर लगा रही है, बोले जा रही है बघीरा के लिए, लेकिन इसे क्या पता कि अब बघीरा इस दुनिया में नहीं है। अजवा इधर आ जाओ। मेरा अब दिल कर रहा है कि शायद मैं अजवा को ना यहाँ से ले ही जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये अकेली रहेगी ना, ऐसे ही परेशान होती रहेगी, कम से कम हमारे पास वहाँ पर होगी ना। अभी भी उधर देख देख के ना इसे यही पता है कि इसका बच्चा जो है उस तरफ चला गया, लेकिन इसका बच्चा अब नहीं आने वाला। कैसे परेशान हो रही है, जब भी इसकी याद आती है तो कैसे ऊँचा ऊँचा बोलना शुरू कर देती है। अजवा इधर आओ, इधर मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यार मैं तो बस इसे अब अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे साथ लेकर जाऊँगा। कुछ नहीं हुआ ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ, सही है ना, परेशान नहीं होना। यकीन करें यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी ना बघीरा के लिए रो रहे हैं, इतना ज़्यादा उससे प्यार करते थे वो बच्चे। अगर उससे इतना प्यार करते थे तो फिर तो ये माँ है, इसका तो हिसाब नहीं लगा सकते। अल्फा ने सारे चावल खा लिए हैं, चिकन खा लिए, अब बीच में सिर्फ आलू बच गए हैं जो कि अभी तक इसने नहीं खाए, हो सकता है बाद में खा ले। आज मैंने इसे खाना थोड़ा सा लेट दिया है, ज़्यादा खाना देने की वजह से ना ये खाना ठीक से खाता नहीं है, सारा छोड़ देता है। अभी इसे ठीक से भूख लगी हुई थी, थोड़ा सा लेट खाना दिया, तो देखें कैसे ये खाने को सब खा गया, मतलब बिल्कुल इसने ख़त्म ही कर दिया है। बघीरा को दफनाने के बाद मैं घर की तरफ नहीं गया, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। बस यहीं पर आकर ना मैं अपने परिंदों को देख रहा हूँ, उन्हीं के पास बैठा हूँ। मेरे कुछ परिंदे इस तरफ घूम रहे हैं, सामने देखें राजा भी घूम रहा है, टर्कीज़ वगैरह भी, मुर्गियाँ भी यहीं पर हैं, और अल्फा इस तरफ खाना खा रहा है। बस अब मेरा कोई और काम करने का दिल ही नहीं कर रहा, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, कब से यहाँ पर बैठा हूँ,
घर भी जाऊंगा तो घर वाले भी सारे परेशान होंगे। तो मैं यही सोच रहा हूं जब मैं डोनट कैंडी बेबो को लेने के लिए जाऊंगा तो हो सकता है आज ही मैं अपनी अजवा को भी साथ लेके आ जाऊं, ताकि अब वो वहाँ अकेली परेशान ना हो। कम से कम यहाँ उसके साथ बेबो होगी तो उसे वो कोई टेंशन नहीं होगी, थोड़ी सी वो परेशानी जो उसकी है ना बनी हुई वो कम हो जाएगी। इसने भी खाना खा लिया, आलू बिल्कुल इसने छोड़ दिए हैं, ये मेरे पास यहाँ आकर बैठ गया। क्या हुआ है, हैं ये आवाज़ें ऐसी क्यों निकाल रहे, खाना खाने के बाद ना ये ऐसी आवाज़ें निकालता है। खैर कुछ नहीं हुआ, चलो ये दिन के वक्त सोता है और पूरी रात ये भी बेला की तरह ना जागता रहता है। आज का जो व्लॉग था यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दो में याद अगले व्लॉग तक के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।